बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना कैसर। आज मैं आपको ब्रेड चिकन चीज पेटीज बनाना सिखा रही हूँ। मैंने एक ब्रेड पीस बॉईल कर लिया था चिकन का सॉल्ट डाल के, और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चे और हाफ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर, दो खाने के चमचे मैं इसमें चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ, एक खाने का चमचा चॉप्ड कैप्सिकम शिमला मिर्च, एक खाने का चमचा मैं हरी मिर्चे बारीक चॉप की हुई, दो खाने के चमचे है चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर, एक खाने का चमचा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, एक खाने का चमचा हरी प्याज ऐड कर रही हूँ, एक कप पिसा चीज डालेंगे, एक चाय का चम्मच सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि चीज भी ऑलरेडी सॉल्टेड है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड करें। इसमें अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर लग रहा है सारी वेजिटेबल्स का चिकन के साथ। अब हम एक स्लाइस लेंगे और ग्लास से इस तरह सर्कल में कट कर लेंगे, और इसके कॉर्नर को वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। एग लेंगे और उसमें मिल्क ऐड करके अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। सर्कल ने ब्रेड कट की थी उसके अंदर हम ये मिक्सचर जो है चिकन चीज का, ये हम इसमें रखेंगे। एक स्लाइस पर दूसरा स्लाइस रखेंगे, कॉर्नर को हल्का सा प्रेस करेंगे। पहले हम अंडे में डिप करेंगे इसको, इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब को इस पर कोट कर देंगे। इसी तरह मैं सारे पेटीज बनाकर रख लेती हूँ। माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। चले आए हम इसको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है। आप इसको दावतों में बना के दें, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।